नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लंबे समय से उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राज्य अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा है कि मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही हूं, राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है, मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, जिसमें मुझे सबका सहयोग चाहिए। अपर्णा यादव ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के लिए चलाए गए अभियानों की तारीफ की है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ के कैंट सीट से लड़ा था। समाजवादी पार्टी की ये उम्मीदवार बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा ने करीब 63,000 वोट हासिल किए थे। उधर रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर 2019 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी और सुरेश चंद्र तिवारी चौथी बार विधायक बने थे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।